हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेक्निकल कंपटीशन वेरियर्स। साथियों, आप सभी मित्रों, भाई बहनों, दोस्तों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल कंपटीशन वेरियर्स, जिस पे हम लोग एसएससी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बैंक, यूपीएससी, रेलवे, इन सभी एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन एक साथ करते हैं। तो आज का टॉपिक है डेली करंट अफेयर न्यूज बाई रवि जी के। तो साथियों, डेली करंट अफेयर न्यूज चलता है सेशन अपना मॉर्निंग में, जो भी दिन भर का सामसायिक न्यूज बनता है, समाचार बनता है, मैं वो यानी कि सारे क्वेश्चन कवर करके एक वीडियो में आप लोगों को प्रस्तुत करता हूँ, प्रोवाइड कराता हूँ। तो साथियों, मैं रवि प्रकाश एक बार फिर से लेकर आया हूँ, और ये सेशन आप लोगों का एसएससी, सीपीओ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बैंक, रेलवे, जो आगामी प्रतियोगिता है, ऐसे तो सारे प्रतियोगिता के लिए उपयोगी है, बट एसएससी, सीपीओ, सीएचएसएल, सीजीएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बैंक, रेलवे, इन सभी जो आगामी प्रतियोगिता है, इन सभी के लिए उपयोगी होता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, और इस बार का थीम क्या था? तो योगा, यानी कि योगा विथ होम। तो साथियों, यानी कि बात करते हैं हम लोग, केन्या ने किस देश को हराकर यूएनएससी में अफ्रीकी सीट जीती है? तो ये जी बीतू। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया 21 जून को, और ये ऑनलाइन मनाया गया, और पिछले बार जो, और ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कैमा संस्करण था, तो ये 6 यानी कि 2015 में प्रथम बार मनाया गया था, और ये 6 संस्करण था, छठा संस्करण था योगा दिवस का। और पिछले साल का कहाँ मनाया गया? तो वो झारखंड राज्य, यानी कि साथियों, झारखंड राज्य में मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, और इस बार 21 जून को मनाया गया। केन्या ने किस देश को हराकर यूएनएससी में अफ्रीकी सीट जीती है? तो ये जीबीटू। स्वीडिश मैपिंग टेक्नोलॉजी कंपनी मैपिलरी का अधिग्रहण किसने किया है? तो मैपिलरी का अधिग्रहण किया है फेसबुक ने। मार्क जुकरबर्ग इसका संस्थापक है। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में विदा बेन शाह का निधन हुआ, वे कौन थी? तो सामाजिक कार्यकर्ता, विदा बेन सामाजिक कार्यकर्ता थे। अगला क्वेश्चन क्या है? किस देश को चीन को निर्यात पर शून्य ट्रैफिक सुविधा प्राप्त हुई है? तो ये बांग्लादेश। साथियों, 97% वहाँ निर्यात पर सुविधा प्राप्त हुआ है। किसको? बांग्लादेश को। तो चाइना में अब बांग्लादेश का जनता जाकर आसानी से सामान बेच सकता है, जैसे कि उसको कोई टैक्स वैक्स नहीं लगेगा। बांग्लादेश से मित्रता काफ़ी अच्छा यानी कि बना रहा है चाइना। तो साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है? किस राज्य सरकार ने ओला इमरजेंसी सेवा का अनावरण किया? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने ओला इमरजेंसी सेवा का अनावरण किया। 19वां महान जून विद्रोह दिवस किस राज्य में मनाया गया? तो ये मणिपुर, जहाँ लोकटक झील है। साथियों, अगला, भारत ने किस देश में 12 सुखोई विमान खरीदने का फैसला किया है? तो ये रूस, यानी कि रसिया देश से 12 सुखोई विमान खरीदने का फैसला लिया किसने? भारत ने। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट अनुसार 2020 में एशिया की विकास दर कितने प्रतिशत रहेगा? तो 0.1% रहने का अनुमान है एडीबी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में। किसने कोविड-19 की स्क्रीनिंग के लिए अल्ट्रासाउंड विकसित किया? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पलक्कड़। संगीत दिवस मनाया गया कब? 21 जून को संगीत दिवस मनाया गया। और पहली भारतीय कंपनी जिसने 11 लाख करोड़ रुपए की बाजार पूंजी प्राप्त किया? तो रिलायंस इंडस्ट्री 11 लाख करोड़ रुपये की बाजार पूंजी प्राप्त किया है, जो कि काफ़ी रिलायंस इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट है, ब्रिटेन के सोसाइटी फॉर थिएटर रिसर्च द्वारा घोषित थिएटर बुक प्राइज 2020 के विजेता कौन बने हैं? तो एलन एस्ट्रेचन लिखित डार्क स्टार, बायोग्राफी ऑफ वीवीएन लेग। वर्ष 2018-19 के लिए दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के विजेता बने हैं थ्रिसूर जिला। पहली बार जिला पंचायत पुरस्कार जीता है किसने? थ्रिसूर जिला दीनदयाल उपाध्याय ग्राम पंचायत सशक्तिकरण का पुरस्कार विजेता 2018-19 का बने हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने महिला उद्यमियों का समर्थन करने के लिए शुरू की हुई डॉक्टर संगीता रेड्डी अध्यक्ष फिक्की के नेतृत्व में फिक्की FLO पहल।
तो ये बात करते हैं हम लोग एम्पावरिंग द ग्रेट ग्रेटर 50%। तो क्वेश्चन कहता है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कौन है? स्मृति ईरानी। इसने महिला उद्यमियों का समर्थन करने के लिए शुरू की हुई डॉक्टर संगीता रेड्डी अध्यक्ष फिक्की के नेतृत्व में फिक्की ए फेलो पहल एम्पावरिंग द ग्रेटर 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो दोस्त साथियों नेक्स्ट सवाल है, नॉर्थ फील्ड ब्रिटेन के प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन PRMIA के प्रमुख बने हैं डॉक्टर निराकार प्रधान जी। अभय नामक महिला अनुकूल पहल के लिए प्रतिष्ठित आत्मनिर्भर भारत 65वां राष्ट्रीय स्कॉच पुरस्कार 2020 का विजेता बने हैं सिद्धार्थ कौशल प्रकाशम जिला पुलिस अधीक्षक, यानी कि प्रकाशम जिला पुलिस अधीक्षक जिनका नाम क्या है? सिद्धार्थ कौशल। ये अभय नामक महिला अनुकूल पहल के लिए प्रतिष्ठित आत्मनिर्भर भारत 65वां राष्ट्रीय स्कॉच पुरस्कार जीते हैं। वर्ल्ड स्टार शारजाह ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप 2020 का विजेता बने हैं साखरियर मामेदिरोव अजरबैजान के। इस किस राज्य ने एकतू खेलो एकतू पढ़ो नामक गतिविधि आधारित सीखने के लिए एक विशेष पहल की घोषणा किया? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है त्रिपुरा राज्य, विप्लव देव यहाँ का मुख्यमंत्री है। तो इस राज्य यानी कि त्रिपुरा राज्य ने एकतू खेलो एकतू पढ़ो नामक गतिविधि आधारित सीखने के लिए विशेष पहल की घोषणा किया। किस संस्थान ने मध्य हिमालयी क्षेत्र में जुड़ी जड़ी बूटियों के लिए इन्फ्यूजन तकनीक विकसित किया है? तो IIT मंडी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी। किस संगठन ने अंतरिक्ष में गर्म और ठंडे वातावरण से सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को आरामदायक तापमान प्रदान करने और पसीने को हटाने के लिए जैविक कपड़ा और घटकों से बने अपने लिक्विड कूलिंग एवं हीटिंग गारमेंट LCHG के लिए पेटेंट प्राप्त किया? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने। और इसी करंट अफेयर्स में कुछ जीके बनता है जो मैं हटा आप लोगों को देता हूँ। चलिए तो कुछ जीके देख लेते हैं। भारतीय वाणिज्य मंडल एवं उद्योग महासंघ फिक्की स्थापना 1927, मुख्यालय नई दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो स्थापना 15 अगस्त 1969, मुख्यालय बेंगलुरु। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संस्थान IAEA स्थापना 29 जुलाई 1957, मुख्यालय हो गया वियना ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU स्थापना 17 मई 1865, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड। तथा लास्ट आखिरी क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO स्थापना 17 नवंबर 1966, मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया। तो ये था आज का सेशन, कैसा लगा जरूर आप लोग बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। सेशन को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।